चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई ए एंड बी स्मॉल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर द सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए एंड बी। देखो कंसेंट्रिक तो बोला नहीं है इसमें, दो स्फीयर बोला है, एक स्फीयर ए है जिसका रेडियस स्मॉल ए है, दूसरा स्फीयर है बी जिसका रेडियस है स्मॉल बी, और दोनों पे चार्ज Q1 मान लेते हैं, इस पे Q1 Q2 मान लेते हैं, पोटेंशियल दोनों का सेम कह रहा है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई a स्क्वायर होगा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई b स्क्वायर होगा। इट मींस Q1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 4 पाई a स्क्वायर और Q2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 4 पाई बी स्क्वायर, ये होना चाहिए 4 पाई बी स्क्वायर। तो पोटेंशियल ए का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वन अपॉन ए, बी का पोटेंशियल कितना होगा, बी का पोटेंशियल के क्यू टू अपॉन बी, और दोनों के पोटेंशियल सेम है, वी इज इक्वल टू वी बी, तो के क्यू वन अपॉन ए इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन बी, के से के कटा, Q1 की वैल्यू पुट करें, Q1 की वैल्यू पुट करें क्या आएगा, Q1 की वैल्यू सिग्मा 1 इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा 2 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, ए से ए कटा, बी से बी कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा एक, सिग्मा 1 इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू बी, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए होना चाहिए, पहले डिवाइड बाई डेंसिटीज का ए और बी का रेशियो, ठीक है, बी अपॉन ए, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।